गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 पाइथन पांडास 1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो असाइनमेंट हमने पहले होमवर्क में दिया था उसका सॉल्यूशन बताएंगे क्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 था, गिवन फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट। दो सीरीज ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, S1 S2। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या दे रखा है। 0 पे क्या 3, 1 पे 5, 2 पे 6, 4 पे 10 और 5 पे 12। ऐसी S2 में दे रखा है 0 पे 12, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20 और 6 पे 27। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ S1 प्लस S2। मतलब S1 प्लस S2 करना है आपको फर्स्ट। तो इसका सोल्यूशन देखिए उनका क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराएंगे। SPD, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या होगा, इंपोर्ट पांडास SPD। उसके बाद हम क्या, ये देखिए ये चीज है क्या, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है। क्या है सीरीज ऑब्जेक्ट, जब भी हम आपको उसका सिंटैक्स बताते हैं सीरीज क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट है S1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे S1 सीरीज ऑब्जेक्ट है ये, तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे, अब सीरीज क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, सीरीज। लेकिन हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है, S1। तो ये चीज कैसे आएगी, देखिए PD.Series। उसके बाद हमने ये हमारा क्या डेटा है और ये इंडेक्स है। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, लिस्ट में। तो हमने क्या लिया यहां पे, डेटा लिखा इक्वल, पहले डेटा लिखा हमने, यहां पर इंडेक्स ले सकते हैं, दोनों में कोई पहले लिख सकते हैं। क्या लिखा, 3, 5, 6, 10 और 12। ठीक है, इसे कॉमा लगाया, हमने इंडेक्स लिखा। इंडेक्स हमारा क्या है, 0, 1, 2, 4 और 5, ये हमारा इंडेक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या इंडेक्स है, मतलब S1 हमारा क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने सीरीज क्रिएट करने के लिए क्या, PD.Series। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये क्रिएट होगा तो इस टाइप का बनेगा, ये सीरीज उसने बनानी। ठीक है, कैसे आएगा ये चीज, कैसे आई है वो यहां पे बताएगा। सीरीज इक्वल, सीरीज डेटा इक्वल, ये हमारा लिस्ट है वेरिंग वैल्यू, और ये हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स क्रिएट किया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, S2 भी क्रिएट करेंगे। S1 हमारा हो गया, अब ऐसे ही S2 क्रिएट करेंगे। इसको करके PD.Series डेटा इक्वल क्या है, 12, 12, 10, 15, 20 और 27। इंडेक्स लिखेंगे इसका, इंडेक्स क्या है, 0, 2, 3, 4 और 6। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या, प्रिंट S1 प्लस S2, ये तो हमें लाना है। ठीक है, और प्रिंट S1 माइनस S2, ये दोनों प्रिंट कराना है। तो आंसर हमें क्या मिलेगा,
ठीक है, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए, पैराग्राफ करते हैं। अगर आप S1 प्रिंट कराएंगे यहां पे, जैसे यहां दिया है, अगर आपने प्रिंट यहां कराया S1 या प्रिंट कराया यहां पे S2, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यही मेरा आउटपुट होगा S1 का और ये S2 का। ठीक है, समझा, इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, S1 और S2 का आउटपुट यही दोनों होंगे, S1 का ये, S2 का ये है। ठीक है, लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, S1 प्लस S2, S1 माइनस S2, ये हमें प्रिंट कराना है ये। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए क्या होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर हम आउटपुट निकालेंगे इसका, तो इसका आउटपुट देखिए क्या होगा, S1 प्लस S2 का देखिए क्या होगा, देखिए इंडेक्स हमारा ये है, तो इंडेक्स ही कंपैरिजन करेगा, किससे कंपैरिजन करेगा, इंडेक्स मतलब S1 और S2 में इंडेक्सेस देखेगा, देखिए जीरो है, यहाँ जीरो है, तो इसकी वैल्यू को क्या क्या ऐड कर देगा, मतलब ये और ये ऐड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, मतलब यहां पे क्या था, ठीक है, तो यहां पे क्या है, 12 है और यहां 3 है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 13 12 3 15.0, और ये हमारा फ्लॉट में आएगी वैल्यू, तो आप ऐड एडिशन वगैरह करेंगे तो फ्लॉट में ही आएगी, तो 13 3 12 15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे क्या 1 है और यहां पे क्या 2 है, तो ये ऐड नहीं करेगा, नन वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एन ए एन। ठीक है, नन वैल्यू आएगी, आगे बढ़ेंगे, यहां पे क्या 2 है, यहां क्या 3 है, यहां 2 है यहां 3 है, तो ये भी नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, ये होगा क्या, होगा देखिए यहां पे, यहां 2 है और यहां 2 है, ये मैच करा लेगा, 1 है ही नहीं यहां पे तो मैच कराएगा ही नहीं, ये 2 यहां पे इंडेक्स है, यहां 2 इंडेक्स है, तो 2 पे क्या है, देखिए यहां पे 6 और यहां पे 2 क्या 10, तो आंसर क्या होगा, 16, क्या होगा, 16 होगा। फरमाया यहां पे क्या है, 6 है, देखिए यहां पे 2 पे क्या 6 है इंडेक्स पे, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या 2 है, 2 कहां है, 10 पे, तो 10 प्लस 6 16 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पे 4 है, ये 4 है और नीचे भी 4 है, लेकिन एक चीज देखिए यहां पे 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, यहां 4 है, यहां पे यहां 4 है, 3 है ही, यहां 3 है, तो यहां क्या होगा, नल होगी वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 4 पे क्या 10 और यहां 4 क्या 24। ठीक है, हमें वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, 10 और 20 30 मिलेगी, एक सेकेंड, 4 में मिलेगी 30। ठीक है, अब लास्ट देखिए यहां पे 5 है और यहां पे 6 है, ये भी इसके अंदर नहीं है, ये भी इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगी, 2 टाइम्स नन होगा,
ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या क्या चीज नहीं मिल रहा, वन टू थ्री और फोर, देखिए नन फोर टाइम फोर चीज, एक दो तीन चार, तो एस वन प्लस एस टू हमारा ये आउटपुट होगा, ठीक है ये हमारा आउटपुट होगा। अब ऐसे ही करेंगे क्या, एस वन माइनस एस टू का, ठीक है यहाँ पे क्या जीरो है, यहाँ जीरो है मतलब थ्री, यहाँ ट्वेल्व है, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, अब एस वन माइनस एस टू हो रहा है तो कितना आएगा, माइनस का नाइन आना चाहिए, क्या आएगा माइनस का नाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वन, और यहाँ पे वन तो है ही नहीं, तो आउटपुट क्या होगा, नन होगा, ठीक है। यहाँ पे टू है, टू पे क्या है सिक्स, यहाँ पे क्या है टू है, यहाँ पे टू सिक्स है, और यहाँ पे टू क्या टेन है, तो सिक्स माइनस टेन माइनस फोर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थ्री है, तो नन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या फोर, यहाँ पे फोर, फोर कितना टेन या ट्वेंटी, ठीक है माइनस का टेन। अब यहाँ पे फाइव या सिक्स, दोनों कैसे जाएंगे, नन हो जाएंगे, तो हमारा ये दोनों आउटपुट होंगे एस वन प्लस एस टू का और एस वन माइनस एस टू का। देख लीजिए इसको, इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना फाइंड एरर, क्वेश्चन क्या था हमारा, एस इक्वल पी डी डॉट सीरीज 2, 4, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स दिया था, रेंज दे रखी थी 4, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें एरर फाइंड करना था, किसी ने भी नहीं किया इसको, देखिए इसको क्या होगा, S equal PD dot series। अब देखिए बेटा यहां पे क्या चीज गलत है, ये चीज गलत है यहां पे, ये किस टाइप का है हमें पता ही नहीं है, ठीक है तो यहीं पे वो एरर शो करेगा। इंडेक्स आपने दिया है लेकिन इसको किसी डेटा में नहीं दिया, तो यहां क्या होगा, डेटा इक्वल क्या होगा 2, 3, 4 और 5, ये चीज होगा। इंडेक्स कितना होगा, रेंज दिया है 4। अब इसका आउटपुट अगर निकालेंगे हम प्रिंट एस करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, देखिए तो इंडेक्स हमारा क्या है, रेंज है 4, मतलब 0, 1, 2, 3 तक जाएगी वैल्यू, और 0 पे क्या होगा 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, तो ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, तो हमारा सॉरी यहाँ डेटा होगा, ठीक है, तो यहां पे हमारा डेटा होगा।
पढ़ेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट, ये डॉट होगा क्या होगा एट्रीब्यूट नेम, यहां क्या होगा एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप करेंगे, फाइंड एरर का ही है। फर्स्ट है आपके एस वन इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा सेवन, इंडेक्स दिया है, रेंज दिया है, सिक्स। इसका आपको एरर फाइंड करनी है, फाइंड एरर एंड सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी बता देना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सबमिट करेंगे आप लोग।